Totally agree with you. I had heard of some prior incidences wherein people were discriminated just because of their cultural, their racial, or their ethnical backgrounds. These incidences are quite common in foreign nations. I even the entire climate or the entire background in which this protest was going on, तो मैं 1.5 घंटा 2 घंटे पूरे वहां पर खड़े रह के मैंने वो प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है मैंने ऑब्जर्व किया. आई वॉच द एंटायर प्रोटेस्ट एज एन आई विटनेस देयर. द प्रोटेस्ट वॉज अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट. द अल्टीमेट इंटरव्यूइंग थॉट दैट केम इन टू माई माइंड, ये सोचने पर मैं मजबूर हो गया कि अगर इन लोगों का विरोध देश की पॉलिसी से है, इफ इट इज अगेंस्ट सम नेशनल पॉलिसी, देन व्हाई इज दी पिक्चर ऑफ गौमूत्र एंड हिंदू फैसिज्म कमिंग इन द पिक्चर? व्हाई इज देयर नीड टू ब्रिंग अ रिलीजियस आइडेंटिटी एज वेल इन दिस पिक्चर व्हेन यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर नेशन? सो यस, इट हैपेंस हियर इन यूके एज वेल, इट हैपेंस एवरीबडी एवरीवेयर विथ एवरीवन. बैक देयर इन इंडिया भी बहुत लोग हैं जो भक्त बोलेंगे, गोदी मीडिया बोलेंगे. इनफैक्ट दी अमेरिकन हिंदू सोसाइटी हैज हैड पब्लिश्ड अ वेरी यूजफुल ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स विच आर कॉल्ड एज स्लर्स. सो दीज वर्ड किसी को डीमीन करने के लिए, लाइक यू यूज दी एन वर्ड विच इज नॉट सपोज टू बी यूज. इन अ सिमिलर वे, काउ प्रिस्ट ड्रिंकर, काउ वर्शिपर, स्नेक वर्शिपर, मंकी वर्शिपर, दीज वर्ड आर यूज टू मेक अ पर्टिकुलर सेक्ट, अ पर्टिकुलर पर्सन शेमफुल ऑफ हिज आइडेंटिटी विच अदरवाइज शुड नॉट बी डन. दिस वॉज दी सेम टैक्टिक दैट दी इंपीरियल कॉलोनिस्ट यूज टू रूल इंडिया एंड डिवाइड इट. कि सबसे पहले आप उस कल्चर को, उस आइडेंटिटी को हार्म करो, उस रूट्स को, आप उस फाउंडेशन को तोड़ने की कोशिश करो जिस पे ये देश बना है. ये देश जिस उसूलों पे बना है, जिस आधार पे ये देश खड़ा हुआ है, अगर उसको ये लोग टार्निश करने की कोशिश करे, तब जाकर आदमी की राष्ट्रीयता को भी कभी कभी फर्क पड़ सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट हैम्परिंग योर पर्सनल आइडेंटिटी इन विद द अल्टीमेट एम टू हैम्पर द नेशन एंड इट्स ग्लोबल